Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I'm here with a new topic, which is integrated marketing, communication and pricing strategies. Beta, it is your ninth session and we are going to discuss about the integrated marketing communication skills and also the pricing strategies. So first of all, I want to explain you that what is integrated marketing communication. As you know about the marketing and communication, so now it is new for you that what is the word, what is the meaning of this word integrated when it attached with this two words, marketing and communication. Okay, but actually integrated marketing communication is a simple concept. It ensures that all form of communications and messages are carefully linked together. At its most basic level, integrated marketing communications, as we will call it, means integrating all the promotional tools so that they work together in harmony. Although integrated marketing communications requires a lot of efforts, it delivers many benefits. It can create competitive advantage, boost sales and profit while saving money, time and stress. Okay? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्चुअली बेटा एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि आप जो है डिफरेंट सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए और डिफरेंट अदर मोड्स ऑफ मीडिया को यूज़ करते हुए अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड को जो है वो लोगों तक उसकी अवेयरनेस पहुँचाते हो, उसको एडवर्टाइज करते हो, ठीक है। और इसके अलावा उसके फीचर्स, उसकी प्राइजेस, उसकी क्वालिटी, ईच एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज यू विल डिलीवर टू द कस्टमर और via integrated marketing services, ठीक है, या communication. Now, integrated marketing communication wraps communications around customers and help them to move through the various stages of the buying process. The organization simultaneously consolidates its messages, develop a dialogue and nurtures its relationship with customers. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो होती है वो रैप करती है कम्युनिकेशन को तमाम कस्टमर्स में, ठीक है। वो आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रिलेशन बताती है, वो आपको उस आपके प्रोडक्ट का जो है इमेज बताएगी कि व्हाट इज लाइक दैट प्रोडक्ट और व्हाट आर द फीचर ऑफ इट, ठीक है, व्हाट आर द फैसिलिटीज और सर्विसेज बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसके अलावा जो है वो कस्टमर और आपके दरमियान जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। Let me take an example. By this example, you can clear all the concept or about the integrated marketing communication. Here is the example. Southwest Airlines. एक Southwest Airlines has launched an integrated marketing campaign called Transparency. The airline uses television, radio, print, and digital assets to demonstrate how customer will pay for things like check bags, flight changes and snacks and drinks, ठीक है। अब वो जो पर्टिकुलर एयरलाइन थे जो साउथ वेस्ट जिनका नाम है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी जो थी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन जो थी वो स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रखा, ठीक है। क्यों रखा, क्योंकि उसमें उनको पता था कि उन्हें अपने तमाम हिडन चार्जेस, अदर चार्जेस और द मोड टू पे, मोड ऑफ पेमेंट, ये तमाम चीज़ें वो किस तरह से लोगों तक पहुँचाएँ उसकी अवेयरनेस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मोड्स और सोशल मीडियाज यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की जो भी सर्विसेज थी उनकी एडवर्टाइजमेंट की। तो ये जो आप एक सिंगल प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है थ्रू वेरियस मीन्स और मीडिया के थ्रू जो आप लोगों तक पहुँचाते हो उसकी न्यूज़, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। वैसे नॉर्मली तो हम किसी एक पर्टिकुलर लाइक एफबी पे पोस्ट कर दिया, हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी, या फिर हमने एक एडवर्टाइजमेंट चला दिया टेलीविजन पे, या फिर हमने पॉम्पलेट लगवा दिए। लेकिन जब हम इन तमाम चीज़ों को ओवरऑल गैदर करके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं फॉर द अवेयरनेस ऑफ कस्टमर, तो दैट थिंग इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। जिसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तमाम मीन्स को इन्वॉल्व करके, हम जो है मैसेज जो है या फिर एक न्यूज़ या इंफॉर्मेशन जो है वो अपने कस्टमर्स तक जो है गैदर करके पहुंचाते, ठीक है। नाउ हियर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज द फाउंडेशन। दिस कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट।
This includes changes in technology, buyers' attitudes and behaviors, as well as anticipated moves by competitor. जो foundation का component है वो आपको जो है ये बताता है, आपको understanding देता है कि what is the requirement of the customers about your product, what is the competition level of that particular product, ठीक है? या फिर जो टेक्नोलॉजी माइट बी पॉसिबल कि एक सेल फोन जो है जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू जो है अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो कि इसमें आपने जो इनोवेशन की है, बट क्या उससे बेटर टेक्नोलॉजी किसी और ने यूज़ की है, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जब भी आप करने जाते हो, किसी चीज़ को एडवर्टाइज करते हो, उसकी फीचर्स बताते हो, तो मेक श्योर कि उसमें जो आपने टेक्नोलॉजी इनोवेशंस यूज़ किए हैं, आपने अपने प्रोडक्ट को जो इतना यूनिक बनाया है, तो किसी अदर पर्सन ने, किसी अदर प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड ने जो है उससे ज़्यादा अच्छा या उतना ही तो नहीं कर लिया, ठीक है? द कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इंक्रीजिंगली ब्रांड्स आर सीन एज इंडिविजिबल फ्रॉम द विजन, कैपेबिलिटीज, पर्सनैलिटीज एंड कल्चर ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है? तो यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट का कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आपको जो है आपके लेबर्स को वो विजन जो है फॉलो करने में हेल्पफुल होता है जो कि आप चाहते हो, जिसका मिशन होता है आपका, जो कि गोल आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है? तो इट इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी टू फॉलो योर कॉर्पोरेट कल्चर और बी एज कैपेबल और पर्सनैलिटी. यू हैव टू क्रिएट योर पर्सनैलिटी लाइक इन दैट वे विच योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर, ठीक है? The brand focus, this is the logo, corporate identity, tagline, style and core message of the brand. इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, ऐसा कोई लोगो आपके अपने प्रोडक्ट का आप किसी पर्सन को अगर दिखता है तो वो उस लोगो को जस्ट देखते ही पहचान जाए कि ये किस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो जब ये चीज़ आपके पास सिनारी हो जाता है कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लाइक अगर मैं बात करूँ मैकडोनल्ड की, सही है? तो उस मैकडोनल्ड का जो एम है, अगर मैकडोनल्ड पूरा ना भी लिखा हुआ हो बट अगर एम कहीं पर भी उस स्टाइल का बना हुआ होगा लाइक अ लोगो, तो मैं पहचान जाऊँ कि यहाँ पर मैकडोनल्ड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर, ठीक है? तो ये भी एक अनदर वे है ऑफ इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, कि आप अपने ब्रांड को फोकस करो बाय लोगोस, ठीक है? Now the consumer experience. This includes the design of the product and its packaging, the product experience for instance in a retail store and services. अच्छा, अब आपका जो product है उसको और marketable बनाने के लिए और integrated बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप उसकी packaging बहुत attractive कर दो, ठीक है? वो इतना prominent लगे retail store पे भी कि लोग उसकी तरफ divert हों, they want to get that particular product in first priority. If in like that way you are preparing your product, so it is also belong to the component of integrated marketing communication. Now this next is communications tool. This includes all modes of advertising, direct marketing and online communication including social media. आपकी communication skill इतनी strong होनी चाहिए for your product कि आप जो हो ओवरऑल जहाँ तक आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक आप उस प्रोडक्ट को जो है वो रिनोन कर दो बाय एडवर्टाइजिंग, बाय डायरेक्ट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है? अब डायरेक्ट मार्केटिंग में आपके पास जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी आ सकती है, कन्वर्सेशन, और ऑनलाइन में आपके पास वेरियस मोड है, ठीक है? आप एफ बी पेज पे लगा दो, आप जो हो इंस्टाग्राम पे उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दो, वेबसाइट अपनी क्रिएट कर लो, ठीक है? डिफरेंट मैथड्स हैं, आप जो हो टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो रन कर दो, ठीक है? प्रोमोशनल टूल्स, दिस इंक्लूड्स ट्रेड प्रोमोशन, कंज्यूमर प्रोमोशन, पर्सनल सेलिंग, डेटाबेस मार्केटिंग एंड कस्टमर्स, ठीक है? तो ऐसे टूल्स यूज़ किए जाएँ कि जिससे जो है आपकी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके. नाउ हियर आर द सम बेनिफिट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन इज इट कैन क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस, बूस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट वाइल सेविंग मनी, टाइम एंड स्ट्रेस, ठीक है? सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करती है, ठीक है?
अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो अदर प्रोडक्ट से जो है बेटर है, वो इनोवेटिव है, वो यूनिक है, तो बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है यू कैन बेनिफिट, यू कैन गेट बेनिफिट, सही है। क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं, ये सबसे जो है यूनिक है, तो उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो आपकी जाहिर सी बात है सेल्स भी बढ़ेगी, इससे आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट भी जनरेट होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन रैप्स कम्युनिकेशन अक्रॉस कस्टमर्स एंड हेल्प देम टू मूव थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ द बाइंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये आपको जो है कस्टमर्स को जो है हेल्प आउट करती है कि माइट बी पॉसिबल आपको, जैसे मैंने एयरलाइन की एक एग्जांपल दी थी, तो उसमें आपको जो है, अगर मैं उसी की एग्जांपल कंटिन्यू करूं, तो उस एयरलाइन पे अगर जो है किसी कस्टमर को एक टिकट बुक करवाना होगा, तो दे कैन फाइंड ईजली ऑल द सर्विसेज और बेनिफिट्स और द मोड ऑफ पेमेंट थ्रू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन और थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन, और इस तरह वो इजीली जो है हर चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सकता है और पेमेंट भी वो उसी वे में करेगा, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन साइमल्टेनियसली कंसोलिडेट्स इट्स इमेजेस, डेवलप अ डायलॉग एंड नर्चर्स इट्स रिलेशनशिप विद कस्टमर। और इन दिस में क्या होगा, जब आपकी तमाम चीज़ें, आपकी सर्विसेज, आपको की जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट योर प्रोडक्ट जो है आप ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल होगी, एवरी कस्टमर कैन गेट और कैन बी अंडरस्टैंड इट ईजली, so you all and if it is good for the perception of customer, so you can make a strong relationship, a positive strong relationship with your customer, okay. This relationship marketing cement a bond of loyalty with customer which can protect them from the inevitable onslaught of competitions. The ability to keep a customer for life is a powerful competitive advantage, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप होगा ये एक सीमेंट की तरह काम करेगा जो कि आपके और कस्टमर के बीच में लॉयल्टी को जो है बहुत अच्छे से फ्रीज कर देगा। और उसके बाद जो है आप अगर कोई और कॉम्पिटिटर भी होता है अगर मार्केट में, लेकिन अगर आपके साथ कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छा होगा, सो दे कैन नॉट डाइवर्ट एनी अदर वेयर, दे विल ओनली रिलाई ऑन यू, ओके। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Integrated marketing communication also increases profit through increased effectiveness. अगर हम जो है integrated marketing communication के through जो है अपनी effectiveness को भी increase करेंगे, तो it will also be reason of profit increment. ठीक है, तो इस तरीके से ये तमाम benefits हैं हमारे पास. Next is carefully linked messages also help buyers by giving timely reminder. Updated information and special offer which when presented in planned sequence help them move comfortably through the stages of their buying process. अच्छा, इसमें मैं अगर एक फूड की बात ले लेती हूँ कि फूड कंपनी जो होती हैं या फिर फास्ट फूड कंपनीज हैं, लेट सपोज मैं KFC की बात ले लेती हूँ, तो इसमें क्या होता है बेटा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आपकी जो स्पेशल ऑफर्स होती हैं या भी कोई भी न्यू आप लोगों कोई भी कंपनी ने KFC ने लाइक कोई न्यू फूड मील जो है वो प्रिपेयर्ड किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें जो है थ्रू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन वी कैन गेट ईजली एट होम और एट एनी वेयर, ठीक है। हमें वहाँ पर जाकर KFC में सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अब नया क्या चीज़ ऐसे फूड मील है जो आपने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी एफिशिएंट होगी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू कि हमें ऑलरेडी हमारे सेलफोन्स में, हमारे तमाम सोशल मीडियाज में उसकी अवेयरनेस ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट ऑफर्स होती हैं, आप देखते हैं कि डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट ऑफर्स आती हैं, डील्स आती हैं, जो कि जो है आपको जाके पता नहीं करना होता, बल्कि ऑलरेडी आपके पास सोशल मीडिया में उस चीज़ को अवेयर कर दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। नाउ द इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन ऑल्सो मेक्स मैसेजेस मोर कंसिस्टेंट एंड देयरफॉर मोर क्रेडिबल। दिस रिड्यूसेस रिस्क इन द माइंड ऑफ द बायर विच इन टर्न शॉर्टन द सर्च प्रोसेस एंड हेल्प टू डिक्टेट द आउटकम ऑफ द ब्रांड कैंपेन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, क्योंकि आपको इतना टाइमली मैसेजेस और जो है इंफॉर्मेशन से वो जो है अवेयर कर रहे होते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू, कि आप किसी और ब्रांड की तरफ डाइवर्ट नहीं होते,
लेट सपोज मैं KFC की एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगी कि आप अगर अभी एक ऑफिस में हो और आपको अचानक से आपके जो भी कोलीग्स हैं उनके साथ प्लान बन गया कि हम बाहर से लंच मंगवाते हैं, ठीक है, तो जब आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी कि इस ब्रांड का ये फूड मील एक न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी प्राइस ये है, इसके फीचर्स ये हैं, इसका टेस्ट ये है, सो यू विल डाइवर्ट डायरेक्टली ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और फूड मील, ठीक है, आप सर्च आउट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपको उस पर टाइम वेस्टेज लगेगी, तो आप क्या करोगे कि आपको जो ऑलरेडी नोन है उस फूड की तरफ आप डाइवर्ट होगे, ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द कंपेरिजन एज वेल. फाइनली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सेव्स मनी एज इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन इन एरियाज such as graphics and photography since they can be shared and used in say advertising exhibitions and sales literature. ठीक है, अच्छा ये जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है इसने हमारी कॉस्ट किस तरह से कर्टेल की है किसी भी कंपनी की कि अब हमें फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं रखनी पड़ती, किसी कोई सेमिनार नहीं लगाना पड़ता, एग्जिबिशन नहीं करनी पड़ती, या फोटोग्राफी के थ्रू जो है या ग्राफिक्स के थ्रू हमें जो है इन तमाम एक्सपेंसेस में अपना पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि हम सोशल मीडिया के थ्रू एक वेबसाइट के थ्रू जो है अपने एडवर्टाइजमेंट इजीली कर सकते हैं और ओवरऑल द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को जो है उसकी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है. ना देयर आर थ्री कंपोनेंट्स और पोटेंट फोर्सेस टू डिसाइड प्राइजेस ऑफ अ प्रोडक्ट. फर्स्ट वन इज इमेजेस, सेकेंड इज कॉम्पिटिशन and third one is value. I will discuss it all in detail separately. So the first one is images. A company's pricing policies communicate important information about its overall image to customer. Pricing sends to important signals to customers about a company, it brands its positions in the market, the quality of its product and services, the image it want to create and other important concepts. अच्छा ये एक मेन थे कि प्राइसिंग पॉलिसीज जो होती हैं वो एक इमेज बनाती हैं उस प्रोडक्ट का, ठीक है. अगर आपने देखा हो एक मैं सेलफोन की बात करती हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी ब्रांड, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट दी सेलफोन, ठीक है, अ प्रोडक्ट. अब मैं ये देखती हूँ कि एक सेलफोन है 10,000 का, एक है 20,000 का, एक है 30,000 का, एक है 40,000 का, तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन रही है कि 40,000 वाला जो है वो सबसे बेस्ट है, उसके बाद जो अच्छे फीचर होंगे वो 30 में होंगे, उसके बाद जो है 20,000 वाला चल जाएगा और 10,000 वाले में हो सकता है कोई ख़राबी हो, ठीक है. तो ये एक इमेज मैंने बना दी बाय द कॉन्सेप्चुलाइजिंग ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिशन. Competitors' prices can have a dramatic impact on a small company's sales. Today, small companies face competition from local businesses as well as from online business competitors. Goods and services influences a company's pricing policies. Entrepreneur must monitor competitors' prices on products that are identical to or that are close substitute for those they sell and strive to keep their prices in line with them. ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन ऑल्सो मेक सम सेंस कि यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जब कॉम्पिटिटर्स प्राइजेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, थीके? वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं कि आप जैसे देख रहे हो कि आज का जो एरा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है और आज जो है ना सिर्फ कि हमारे पास फिजिकल मार्केट एग्जिस्ट करती है बल्कि उससे ज़्यादा जो रन हो रही है वो ऑनलाइन मार्केट्स हो रही है, ठीक है. तो देयर इज़ द नीड ऑफ आर ऑर्गेनाइजर्स और एंटरप्रेन्योर्स टू बी अ प्रोड्यूसर और टू बी अ सेलर ऑफ ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है, और उनको चाहिए कि वो अडॉप्ट करें इन सोशल मीडिया को फॉर द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इससे क्या होगा बेटा, क्योंकि आजकल जो एरा है उसमें लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फुली डाइवर्ट हो चुके हैं ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग के लिए, ठीक है. तो अगर सिर्फ और सिर्फ जो है हम फिजिकल मार्केट की तरफ रिलाई करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकल जाएंगे, और अगर हमने भी अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेप्ट किया और अपनी सोशल मीडिया के थ्रू और ट्रेडिंग भी स्टार्ट की एज वेल एज फिजिकल मार्केटिंग, तो उससे क्या होगा हम भी अपने कॉम्पिटिटर्स के लेवल पर आ सकते, ठीक है. वैल्यू, अल्टीमेटली द राइट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज डिपेंड ऑन वन फैक्टर, द वैल्यू इट प्रोवाइड्स फॉर अ कस्टमर.
An entrepreneur may recognize the objective value of their product and services, which is the price customer would be willing to pay if they understood the benefit that a product and services deliver for them. One of the most important determinants of the customer's response to a price is whether they perceive the price to be a fair exchange for the value they receive from the product and service. ठीक है? तो बेटा value बहुत ज़्यादा matter करती है किसी भी price के लिए. अगर आपको लगता है कि आपके जो product है वो अगर आप अपने customer को जो है value दोगे और जो है उसको जो है वो product sell कर रहे हो, तो ये product आपके लिए हमने आपकी आपकी जो है वो कंफर्ट के लिए प्रिपेयर्ड किया है. इस टाइप के डायलॉग्स जो होते हैं वो आपके कस्टमर को जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, अगर आप उनको ये जो है वो रियलाइज़ करवाओगे कि आप जो हो उनकी बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट, तो उससे क्या होगा, उससे आपके आपके और कस्टमर के जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे. कस्टमर को ये फील होगा कि आप जो हो उनके लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं. नाउ देयर आर द प्रोडक्ट्स इन मार्केट. थ्री प्रोडक्ट्स इन मार्केट, रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट, आई कैन ऑल्सो से इट एन इन्वेंशन. ठीक है, क्यों इन्वेंशन कह सकती हूँ, बिकॉज दैट आर सो न्यू एंड यूनिक एंड दे ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग मार्केट. कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि न्यूली आया हो मार्केट में और उसने पूरी मार्केट को चेंज कर दिया. ठीक है, दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, दैट ऑफर्स अपग्रेड एंड एनहांसमेंट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है प्रोडक्ट, उसके अंदर कोई अपग्रेडेशन करना, इनोवेशन करना, दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट. मी टू प्रोडक्ट, Me Too product that offers the same basic feature as existing product in the market. ठीक है, जो Me Too product होंगे वो product होते हैं जो कि same जो features होते हैं वो provide करते हैं to the market. सही है, like आपकी market में already जो है एक washing machine आई हुई है जो कि आपके clothes को जो है वो dry भी करती है और क्लीन भी करती है. ठीक है, तो आपने भी जो है वो जब वॉशिंग मशीन की एक कंपनी ओपन की है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन की है, तो आपने भी बिल्कुल सेम क्वालिटी की जो मशीन है वो प्रिपेयर की. दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मी टू प्रोडक्ट. नाउ हियर आर सम प्राइसिंग टैक्टिक्स और टेक्निक्स. ऑड प्राइसिंग, प्राइस लाइनिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग, लीडर प्राइसिंग, FOB, CIF, and I will explain it individually. So first is odd pricing. ठीक है, अच्छा, what is it, what is the odd pricing? So odd pricing, a pricing technique to set prices that ends in odd numbers to create the psychological impression of lower prices. ठीक है, odd pricing बेटा आपने देखा होगा जब आप शॉप्स पे जाते हो, sometimes अगर ईद की शॉपिंग करने गए हो तो आपने देखा होगा sometimes सेल लगी हुई है. ठीक है, उस सेल में अमाउंट कुछ इस तरह की होती है, लाइक आर टी शर्ट इज ऑफ 9,999 rupees. ठीक है, या फिर जो है 5,999 rupees. ठीक है, इस टाइप की जो odd pricing होती है ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल आपके साथ जो है गेम प्ले करती है. उससे ये होता है कि आपको लगता है कि 5,000 के रेंज में, आपको ये कभी नहीं फील होगा कि यार ये 6,000 के इक्विवेलेंट. ठीक है, तो इस टाइप की साइकोलॉजिकल इंप्रेशन जो है आपको लोअर प्राइजेस पे की तरफ डाइवर्ट करते हैं, हालांकि वो लोअर एक्चुअली होती नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइस लाइनिंग, अ टेक्निक दैट ग्रेटली सिंप्लीफाइज द प्राइसिंग फंक्शन बाय प्राइसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ प्रोडक्ट लाइन एट डिफरेंट प्राइजेस पॉइंट डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिटी, फीचर एंड कॉस्ट. इसमें मैं अगर बात करूं तो स्टैंडर्डाइजिंग और ग्रेडिंग की बात आ जाती है कि प्राइस को ऐसे लाइनअप कर दो कि अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है आप अपनी प्रोडक्ट की जो है प्राइस सेट करो. ठीक है, लेट सपोज मैंने एक राइस की जो है एग्जांपल लेती हूं मैं. अब देयर आर वेरियस टाइप्स और वेरियस काइंड ऑफ राइस. ठीक है, लेकिन तमाम राइस की प्राइजेस सेम नहीं होती, देयर इज द प्राइस लाइनिंग. ठीक है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का राइस होगा वो सबसे हाई प्राइस पे सेल आउट होगा, जो सबसे लोअर कैटेगरी का राइस होगा वो सबसे लोएस्ट प्राइस पे जो है वो सेल आउट होगा. और इन दिस वे जो बीच में जो तमाम चेन आएगी, जो डिफरेंट क्वालिटीज आएंगी, उनकी डिफरेंट प्राइजेस होंगी, लेकिन तमाम प्राइजेस जो सेट होंगी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, फीचर्स जो है वो
सेट की जाएंगी, सही है? सो दैट टाइप ऑफ प्राइस लाइनिंग इज कॉल्ड प्राइस लाइनिंग, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रीमियम प्राइसिंग. व्हाट इज प्रीमियम? अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग अ बेसिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर फ्री बट चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर एक्सपेंडेड और अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है? अच्छा, इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी कि जब आप उसको ऑफर करते हो तो उस वक्त कोई चार्जेस नहीं लेते, बट जब लोग उसको यूज करने लगते हैं तो फिर उसके बाद आप उसके प्रीमियम चार्जेस लेने लगते हो या अपग्रेड वर्जन के चार्जेस लेने लगते हो. लेट सपोज मैं अगर एक सॉफ्टवेयर की बात कर लूँ, लाइक स्काइप की बात कर लेती हूँ, ठीक है? स्काइप में आप क्या करते थे, आपने जस्ट डाउनलोड किया और आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया. ये एक ऐसी सर्विस है जो कि आप यूज कर रहे हो विदाउट एनी प्राइस, इट इज अ प्रीमियम प्राइस, ठीक है? लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम्स व्हेन द अपग्रेडेड वर्जन केम इनटू द एग्जिस्टेंस, सो देयर इज सम कॉस्ट व्हिच यू हैव टू बेयर, ठीक है? तो वो जो प्राइस आपको बेयर करनी पड़ रही है आफ्टर सम टाइम्स, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम प्राइसिंग, ठीक है? नाउ द अनदर वन इज डायनेमिक प्राइसिंग. डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है बेटा? अ टेक्निक इन विच अ कंपनी सेट डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर डिफरेंट कस्टमर्स यूजिंग इंफॉर्मेशन दे हैव कलेक्टेड अबाउट देयर कस्टमर, ठीक है? इसमें मैं बात करती हूँ आपसे के इलेक्ट्रिक की. के इलेक्ट्रिक में क्या है बेटा कि उन्होंने एक ही फैसिलिटी वो सर्विस दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की डिफरेंट एरियाज में, बट उनके जो रेट्स होते हैं वो चार्ज करते हैं, कैपेसिटी जो उनकी जो यूनिट्स होते हैं आर वो डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया. अगर पोश एरिया है तो उसमें उनके चार्जिंग ज़्यादा होंगी, ठीक है? अगर वो अंडर सर्वाइवल लेवल एरिया से तो उसमें चार्जिंग थोड़ी कम होगी. जो कमर्शियल एरियाज होते हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है? इन दिस वे दे कैन चार्ज डायनेमिक प्राइजेस, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स, अकॉर्डिंग टू द एरियाज जो है वो अपने प्रोडक्ट की और अपने सर्विसेज की जो है प्राइजेस चार्ज करते हैं. दैट टाइप ऑफ प्राइजिंग इज कॉल्ड डायनेमिक प्राइजिंग, ठीक है? नाउ द लीडर प्राइजिंग, अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व मार्किंग डाउन द नॉर्मल प्राइजेस ऑफ अ पॉपुलर आइटम इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स हु मेक इंसिडेंटल परचेज ऑफ अदर आइटम्स एट रेगुलर, ठीक है? तो ये लीडर प्राइजिंग होती है जिसमें आप क्या करते हो, प्राइजेस को इतना डाउन कर देते हो कि अदर प्रोडक्ट के प्राइजेस से जो मार्केट में एक्चुअली कॉम्पिटेटिव मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है उससे इतना डाउन कर दोगे कि तमाम लोग, तमाम कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं आपके प्रोडक्ट की तरफ जस्ट बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइजेस, ठीक है? सो दैट प्राइस इज कॉल्ड लीडर प्राइस. नाउ एफओपी प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड. बेटा ये प्राइसिंग जो है एफओपी प्राइस या सीआईएस, ये बिलोंग करती है इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग की टेक्निक से, ठीक है? जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो जब आप लेट सपोज इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम अनदर कंट्री, यू आर इंपोर्टिंग सम गुड्स, तो उसमें आपने जो वो गुड्स इंपोर्ट किया है उसकी प्राइस आपको देनी पड़ती है, ठीक है? उसकी प्राइस आप किसको देते हो? आप एक्सपोर्टर को देते हो, ठीक है? बाय डिफरेंट मींस, वो जो मेथड है डिफरेंट के लेटर ऑफ क्रेडिट और एक्सेट्रा, वो उसकी मैं बात नहीं कर रही. अभी मैं जस्ट इतने सिंपल वे में बात कर रही हूँ कि आप इंपोर्टर हो, आपको एक्सपोर्टर को पे ऑफ करना है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है? लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो आपने एक्सपोर्टर को पे कर दिया, बट उसके बाद जो वो वहाँ से आपकी डॉकयार्ड पे आएगा वो सामान, उसकी शिपिंग, इंश्योरेंस चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, ये तमाम चार्जेस कौन पे करेगा? You as a importer, you have to pay that amount as well, ठीक है? But अगर मैं CIF की बात करूँ, cost, insurance and freight, तो इसमें क्या होता है बेटा कि आपका जो exporter होता है वो आपसे जब amount charge करता है for the product, तो उसी वक्त वो आपसे freight और insurance charges भी जो है वो charge कर लेता है, और वो आपको कहता है कि आपका सामान हम आपको dockyard तक पहुँचा देंगे, आपको हमें ही तमाम पेमेंट करनी है, अदरवाइज आपको कोई शिपिंग और इंश्योरेंस चार्जेस अलग से पे नहीं करने होंगे, इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है? तो दो तरह की इनवॉइसेस बनती हैं जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हो, इंपोर्टर एक्सपोर्ट करते हो. एक एफओबी प्राइस बनती है और एक सीआईएफ प्राइस बनती है. एफओबी प्राइस में जस्ट आपको जो है एक्सपोर्टर को उस पर्टिकुलर गुड्स की जो है वो अमाउंट पे करनी पड़ती है, और बाद में फिर आप ट्रेड के और इंश्योरेंस के चार्जेस अलग अलग पे करते हो,
लेकिन CIF में क्या होता है, आप उस एक्सपोर्टर को तमाम चीजों के एक्यूमुलेट करके होल अमाउंट जो है वो पे ऑफ कर देते हो, फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ठीक है। नाउ द प्राइसिंग कॉन्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, देयर आर सम प्राइसिंग कॉन्सेप्ट विच आर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्टिंग, सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग। सो फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, अ प्राइसिंग टेक्निक इन विच अ मैन्युफैक्चरर establishes a price that covers the cost of direct material, direct labor, factory overhead, selling and administrative cost and a desired profit margin, ठीक है। ऐसी pricing जैसे आपने एक product produce किया, उसकी जो cost of production आई, फिर selling और administration की cost आई, इसके अलावा आपने अपना profit margin भी उसमें रखा, उसके बाद जो आपने price set की है उस particular product की, that price is called कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। क्यों? क्योंकि इसमें आपने अपनी कॉस्ट भी बेयर कर रहे हो और अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के फिर उसके बाद आप प्राइसिंग कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग इन विच ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहेड कॉस्ट आर एब्जॉर्ब इनटू द प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जिसमें तमाम कॉस्टिंग जो है इन्वॉल्व होती है, इंक्लूडेड होती है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग और ओवरहेड कॉस्ट और जो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्सेट्रा, तमाम कॉस्ट इसमें जो है एडेड होती है, ठीक है। नाउ द वेरिएबल कॉस्टिंग, अ मेथड ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग दैट इंडिकेट इंक्लूड्स इट्स इन द प्रोडक्ट्स कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद द क्वांटिटी प्रोड्यूस। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है कि जो वेरी करती है एज पर द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। लाइक अगर मैं जो हूँ एक आइसक्रीम खाती हूँ तो उसकी लेट सपोज प्राइस जो है वो है 20 रुपीज, ठीक है। इसी तरह मैं, मेरी कॉस्ट कितनी आई, 20 रुपीज आई। अब मैं मुझे दो आइसक्रीम खानी है तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी, 40 हो जाएगी। अब मुझे तीन आइसक्रीम खानी है तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, 60 हो जाएगी। इस तरह से नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर बढ़ाती चली जाऊंगी तो मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। दैट टाइप ऑफ प्राइसिंग इज कॉल्ड वेरिएबल प्राइसिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग। नाउ द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बेटा क्या होता है कि जब आप सेल्स में से अपनी वेरिएबल कॉस्टिंग जो होती है वो माइनस कर देते हैं, देन यू विल गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, सही है। जब आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को उसमें से माइनस कर दोगी सेलिंग प्राइस में से, देन यू विल गेट व्हाट, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। द अमाउंट लेफ्ट ओवर ऑफ अ डॉलर ऑफ सेल्स आफ्टर वेरिएबल एक्सपेंसेस आर पेड दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू कवरिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड अर्निंग अ प्रॉफिट, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन फिर इसके बाद क्या करते हैं मार्जिन, कि वो फर्दर आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कवर करे और इसके अलावा भी रेस्ट ऑफ द अमाउंट बच जाए ताकि आप प्रॉफिट रियलाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्टिंग। फिक्स्ड कॉस्टिंग क्या होती है बेटा, फिक्स्ड कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है कि वो कभी भी चेंज नहीं होती, इट रिमेन सेम, ठीक है। आप कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो, इट विल नेवर बी चेंज। लाइक रेंट एक्सपेंस, आप एक बिल्डिंग पे जो है अपने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, लाइक चेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो उस चेयर, अब आप 10 चेयर प्रोड्यूस करो या 10,000 चेयर्स प्रोड्यूस करो, लेकिन आपको सेम रेंट एक्सपेंस बेयर करना है, ठीक है। तो वो जो रेंट एक्सपेंस है, इट इज द फिक्स्ड कॉस्टिंग। नाउ द सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग, सेमी वेरिएबल का आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्टिंग इंक्लूडेड होती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग। अगर मैं बात करूँ कि मैंने एक घर लिया है रेंट पर, ठीक है, तो अब उसमें क्या है, उसमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। कैसे? फिक्स कॉस्ट इस तरह से है कि मैंने उस घर को लिया तो उसके मंथली रेंट जो है मैंने फिक्स करवा दिया कि मैं 20,000 रुपीज़ रेंट दूंगी, ठीक है। बट उसकी यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो है वो वेरी करेंगे एज पर द कंजम्पशन ऑफ यूनिट, ठीक है। तो उसकी जो यूटिलिटी बिल्स होंगे उसकी अमाउंट वेरी हो रही होगी, सो दैट्स व्हाई आई विल टेल दैट द रेंट हाउस हैज द सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग, बिकॉज आई हैव टू पे द रेंट एक्सपेंस in fixed form but have to pay the utility expenses in the variable form, theek hai। Now there are the important factors when valuing a business. First one is a startup costing, second is accuracy of projection, and the third one is degree of control. First one is a startup costing. In general it's much easier to predict your expenses than your revenues. Start building your forecast model by outlining your fixed expenses like
things like rent, utility, and insurance. You can be almost certain these costs will occur in the coming quarter years. From there, think about the cost that could fluctuate directly with revenue. If revenue grow by 5%, you can probably expect your cost of sales to also grow up by 5%. There will be fluctuations in these expenses, but for the most part, they should mirror revenue to a good degree. ठीक है, जो स्टार्टअप कॉस्ट होती है वो भी आपको बता रहे हैं, दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट आपको पता होती है कि ये रिमेन सेम रहेगी, बट जो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो चेंज होती रहती है. अगर आप सेल्स अपनी इंक्रीज करते हो जितनी भी परसेंटेज से, उतनी ही परसेंटेज से भी एक्सपेक्टेड होती है वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होती. नाउ द एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्शन आप किस तरह से कर सकते हो. इट इज अ क्रूशियल इन अ population projection. It allows government and other institutions to plan wisely and helps individuals comprehend the likely futures for their countries and the world. Yet there are no prizes for accuracy, and forecasters seldom have the satisfaction of appreciation their success. The projections we consider are so long-term, covering several decades, that before they can come true or be proven false, the forecasters themselves are likely to have been slowed up by demographic process. If not morality or migration, then certainly job mobility. ठीक है, accuracy of projection जो होती है वो forecasting होती है actually. कि आप forecast करते हो आपके business को start करने से पहले कि आपके business किस तरह से run up होगा, उसमें क्या चीजें किस तरह से arrange और organize होंगी. फिर क्योंकि ये business होता है for the long time period होता है, तो इसमें different decades आते हैं, कभी up level आता है, depression भी आता है, prosperity भी आती है, recession भी आता है, boom level भी आता है. तो for that time period you have to be prepared. accuracy आपको लानी चाहिए अपनी projection में. इसके अलावा जो है accurate इस चीज़ में भी होने चाहिए कि अगर कोई ऐसा level आया, stage या business cycle का कोई ऐसा सीन आया हुआ है जिसमें आपको जो है देयर इज द नीड टू चेंज समथिंग और टू करेक्ट समथिंग, सो यू मस्ट बी एक्यूरेट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. नाउ द डिग्री ऑफ कंट्रोल में मैं ये बात करूंगी बेटा कि वो तमाम चीजें जो आपके बिजनेस में चल रही होती हैं, एक्टिविटी में होती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में होती हैं, उसको मॉनिटर करना, एंड देन इफ यू फाइंड सम एरर और सम मिस्टेक्स इन anywhere, so you have to correct it or control it. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा considerable होती हैं. इसको आपको watch करना होता है और इसको consider करना होता है, then you can make a successful business. ठीक है, hopefully till here you have clear all the concept. If you have any query, so you can ask me in my WhatsApp number. Inshallah, I will meet with you in the next session. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.